कुत्ता और हड्डी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक कुत्ता था जो खाने की तलाश में दिन रात सड़कों पर घूमता रहता था। एक दिन उसे एक बड़ी रसीली हड्डी मिली और उसने तुरंत उसे अपने मुंह के बीच में पकड़ लिया और घर की ओर ले गया। घर के रास्ते में उसने एक नदी पार करनी पड़ी। वहाँ उसने गौर किया कि एक और कुत्ता ठीक उसी की तरह देख रहा था, वही जिसके मुंह में भी एक हड्डी थी। इससे इस कुत्ते के मन में लालच उत्पन्न हुई और वह उस हड्डी को अपने लिए चाहने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, जिस हड्डी को वह काट रहा था वह नदी में गिर गई और डूब गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो दूसरा कुत्ता और कोई नहीं बल्कि उसके ही परछाई थी जो कि उसे पानी में दिख रहा था। अब जबकि उसके मुंह में की हड्डी गिर चुकी थी पानी में, इसलिए उस रात वह भूखा ही रहा और अपने घर चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए, लालच करने से ही हमारा नुकसान होता है।